तीन नए लड़के, तीनों के एटीट्यूड बड़े मजेदार। किसी का कामरान गुलाम जा बनाने के लिए नहीं खेल रहा था, मैच जिताने के लिए खेल रहा था। एटीट्यूड हो तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है यार, विकेट उनके लिए वैसा था, हमारे लिए भी असला ये है कि आपको स्पिन खेलना नहीं आती। स्टैंडिंग बोलिंग की है, सो बहुत इनको दाद देनी पड़ेगी। मेरा दिल थोड़ा सा दुखा कि जायद महमूद को ज्यादा इस्तेमाल किया नहीं गया। देख, अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि एक स्पिनर कितने पानी में है। सरफेस हुई तो इंग्लैंड पाकिस्तान को दोबारा, इसलिए कि कल भी मेरा इंडिया वालों से मारने की कोशिश कर रहे थे, बार बार पूछता था। आप ही के प्रोग्राम में एक सिलेक्टर बैठ के कह रहे थे कि जनाब उसका हाथ गिर जाता है। अरे पाँव तो पाँव आउट तो कर रहा है ना, बीबी वही गिर रहा है तो मतलब। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, तो पाकिस्तान ने जो है वो फाइनली जो 4 साल के लंबे इंतजार के बाद जो है वो घर में टेस्ट मैच जीता है, जो इंग्लैंड के खिलाफ आज 152 रन के ऊपर। तो देखिए इसके ऊपर जो है जो शुएब अख्तर, रमीज राजा और सिकंदर बख्त जो है वो क्या कह रहे हैं और कैसे वो खुशियां मना रहे हैं, तो देखिए इस वीडियो। वन द टेस्ट मैच एंड बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस बाय नुमान, बाय साजिद, बाय कामरान गुलाम। हुआ ये है कि तीन नए लड़के, तीनों के एटीट्यूड बड़े मजेदार, बहुत ही अच्छे। क्या करना चाह रहे थे तीनों? एक ही इंटेंट थी तीनों की। किसी ने कामरान गुलाम जवाब बनाने के लिए नहीं खेल रहा था, मैच जिताने के लिए खेल रहा था। सो देखा उसका। अगेन सिमिलरली आपने साजिद को देखा, ग्रेट एटीट्यूड, ग्रेट पश्तून, मजा आ गया। एटीट्यूड हो तो ऐसा होना चाहिए। सो वेल डन पाकिस्तान टीम और वेल डन नुमान, यू डन वंडर्स यार। और ठीक है यार, विकेट उनके लिए वैसा था, हमारे लिए भी ऐसा था। ऐसा ही है ना, मसला ये है कि आपको स्पिन खेलना नहीं आती तो इसीलिए आप हार गए। देखिए इंडिया भी तो आउट हो गया ना, सीम नहीं खेल सकता ना, तो आउट होगी कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान एक्चुअली मेड अ ग्रेट कमबैक। और जैसे मैं टीवी बैठा हुआ था, मैं आपको बता भी रहा था कि यहाँ पे पाकिस्तान इनको डेफिनेटली इनको बड़ी प्रॉब्लम करेगा। और स्पिन ट्रैक बनाओ, होम एडवांटेज लो, यहाँ बॉल कैरी भी हुआ, स्लिपें भी लगी, सारा कुछ हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ सारा कुछ हुआ, यहीं पे ही सो हुए हैं, यहीं पे ही अच्छे पार्टनरशिप हुई हैं। सलमान लिया का बहुत अच्छा एडिशन किया नीचे आके, तो जिससे वैसे पाकिस्तान कॉम्प्रिहेंसिव विन की तरफ चला गया था। बट वेल डन पाकिस्तान, बिकॉज नाउ आई थिंक यू आर विनिंग द सीरीज नाउ। एंड आई सेड दैट बिफोर द टेस्ट मैच के पाकिस्तान कैन विन द सीरीज। बट हैट्स ऑफ टू इंग्लैंड, सुबह उठते हैं होटल से सीधा ग्राउंड, ग्राउंड से वापस होटल, होटल से ग्राउंड। ग्रेट गाय बेन स्टोन, अमेजिंग कैप्टन, बहुत अच्छा उसने बैक किया शोएब बशीर को और बहुत अच्छा टीम को लेके चला है। स्टफ ऑन देम, गर्मी है, डेड बिकते हैं, टर्न ब्रेक स्पिन एवरीथिंग यू कैन थ्रो एट देम, बट दे स्टिल प्लेड रियली वेल इंग्लैंड। बट इन द एंड पाकिस्तान वेल डन, मेड अ वेरी स्मार्ट चॉइस। बात देनी पड़ेगी स्पिनर्स को, खासतौर पे दो स्पिनर्स को, साजिद को और नुमान को, क्योंकि मेरे ख्याल से दो एक दिन पहले पता चला होगा इनको कि ये टेस्ट खेल रहे हैं, एक साल से खेले नहीं थे। और ये भी कभी नहीं हुआ कि एक ही टेस्ट पिच पे दो टेस्ट मैच हो गए हों। सो डेस्परेट सिचुएशन में पाकिस्तान क्रिकेट फंस गई थी और इस डेस्परेशन से निकालने के लिए फिर आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत थी और एकदम से 360 डिग्री पे स्ट्रेटजी बदली। पता ये चला कि इंग्लैंड जो थे वो हल्के निकले स्पिन के अगेंस्ट और पाकिस्तान ने ना सिर्फ बॉलिंग बैटिंग अच्छी की बट टेम्परमेंटली भी स्ट्रॉन्ग दिखे। जब इतनी आपको जबरदस्त मार पड़े पहले मैच में, उसके बाद दोबारा से खड़े होना और ऐसे ग्रुप के साथ खड़े होना जो आपका एक साल से इस डगआउट का हिस्सा ना हो, उसमें से एक डेब्यूटेंट थे जिन्होंने कमाल बैटिंग की, बाय द वे, इसलिए कि उनका टेम्परमेंट था, कामरान का वो लाजवाब था, स्पिन के अगेंस्ट उनकी बैटिंग बहुत अच्छी थी, स्माइल उनके फेस पे, एक बहुत अच्छे पाकिस्तान को इन कंडीशंस का बल्लेबाज मिला। अभी ज्यूरी आउट होगी कि ऑस्ट्रेलिया में वो कैसी बैटिंग करते हैं या साउथ अफ्रीकन पिचेस पे जाके जो हमारी टेस्ट सीरीज है वहां पे वो पेस को कैसा खेलते हैं। बट इनिशियल जो एक आपका सैंपल साइज है ना, वो बहुत ही एक तरह से इनकरेजिंग है और इम्प्रेसिव भी है। सो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। इसी तरह से जो आज नुमान अली ने बॉलिंग की है वो उसमें मजा आया, जैसे शेन वॉर्न आउट करने के लिए बिल्डअप करते थे ना, छोटी स्पिन, बड़ी स्पिन, वैरायटी ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, तो हमें नुमान अली से कुछ ऐसे ही देखने को मिला क्योंकि राउंड आर्म से भी गेंद स्पिन किया, फ्लाइट के साथ भी उन्होंने बॉल किया। और जो अच्छी चीज ये की उन्होंने कि एक स्पिनिंग ट्रैक पे कुछ खास एक्सपेरिमेंट नहीं किया क्योंकि उन्होंने बॉल को फिर होने दिया जो कि पिच पे नेचुरल वेरिएशन थी। इसी तरह से साजिद अली ने एक अच्छी बैटिंग स्ट्रिप के ऊपर पहली इनिंग्स में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। सो बहुत इनको दाद देनी पड़ेगी। मेरा दिल थोड़ा सा दुखा कि जायद महमूद को ज्यादा इस्तेमाल किया नहीं गया। देखिए आप साल के बाद जब आप वापसी कर रहे हो तो थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए था। ऐसे महसूस हुआ जैसे कि वो जबरदस्ती उनको टीम में घुसाया गया था और इफादियत उनकी
ना समझी गई ना उनसे चांस लिया गया। मैं मानता हूं कि ये दो आपके आइडियल कॉम्बिनेशन और स्पिनर्स थे आउट करने के हिसाब से, मगर कई दफा जो है आपको इस तरह से जो प्लेयर खिलाया जाता है उसको भी थोड़ा सा मौका देना चाहिए ताकि आपको भी पता चल जाए कि वो कितने पानी में। चार पांच ओवर के बाद तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि एक स्पिनर कितने पानी में है, बट क्योंकि जीत गए हैं इसलिए सब चीजें माफ है। बट जो आगे चल के अब यही देखना है कि ये पाकिस्तान को आगे भी इसी तरह की एक तो पिच चाहिए, क्योंकि जैसे अगर पिच ऐसी नहीं बनती है तो इंग्लैंड वापस आ जाते हैं इस टेस्ट सीरीज में। कहीं 19-20 बैटिंग सर्विस हुई तो इंग्लैंड पाकिस्तान को दोबारा से तंग करेगा, क्योंकि वो जिस स्पीड से खेलते हैं और जिस तरह से चांस लेते हैं वो एक ट्रू पिच या एक अच्छी पिच जो होती है उसमें फिर वो ऑपोजिशन को साथ नहीं लगने देते। सो पाकिस्तान को फिर से ये रिस्क लेना पड़ेगा एक स्क्वेयर टर्नर का, और दुआ भी करनी पड़ेगी कि शान मसूद फिर से टॉस जीत जाते, क्योंकि वो भी क्रिटिकल मोमेंट है इस मैच में। अगर कहीं टॉस हार जाते तो पाकिस्तान फिर इस तरह से पीछे होता और मुश्किलात में घिर जाता, मगर सब चीजें ठीक हुई हैं। इस कॉन्फिडेंस को आगे लेके और थर्ड टेस्ट मैच में जाना है, गलतियों से भी सीखना है। देखिए अभी भी राउंड द विकेट साजिद खान को और मेहनत करनी है उस एंगल पे, क्योंकि जब रिवर्स स्वीप हो रही होती है तो थोड़े से वो प्रेडिक्टेबल हो गए थे। सो चाहे आपने 9 आउट किए हैं, चाहे नुमान अली ने 10 से ज्यादा आउट किए, मगर फिर भी टेस्ट क्रिकेट में हमेशा आप अच्छी करने की कोशिश करते हैं, उसे सीखने की कोशिश करते हैं और आपका दिमाग सबसे ज्यादा अच्छा चलता है। पहले तो मुबारकबाद सबको, और मिठाई तो लाई नहीं आप? नहीं मिठाई तो दिल से, दुकानें तो बंद नहीं थी कहीं? नहीं दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ, इसलिए उसमें मिठाई की जरूरत नहीं होती। इसलिए कि कल भी मेरा इंडिया वालों से थोड़ा सी बातचीत हुई थी, वो एक टीवी के शो में, उधर भी वो थोड़ा सा तंस मारने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए कि मैं उनसे प्रोग्राम्स करता हूँ उनके साथ कि पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान मेरा है, पाकिस्तान मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर हूँ, ये हालात मुझसे देखे नहीं जा रहे थे, तो बहुत बहुत मुबारक हो। और ये सारा ब्लेम मैं डालूंगा पुराने कप्तान, ब्लेम ना डालें, सिर्फ ये आज जीत की बात करेंगे। नहीं नहीं देखें, बताने की बात ये है कि जो सेलेक्टर्स वहाँ रहे उनके ऊपर, क्या किसी को नहीं पता था कि साजिद पाकिस्तान में मौजूद है? मैं बार बार पूछता था, आप ही के प्रोग्राम में एक सेलेक्टर बैठ के कह रहे थे कि जनाब उसका हाथ गिर जाता है। अरे भाई हाथ गिर जाता है क्या मतलब, वो आउट कर रहा है? और सेलेक्टर और उस किस्म की बातें करे और कोई एक खिलाड़ी परफॉर्मेंस दे रहा और उसको सिर्फ इस बेस पे उसका पाँव गिर रहा है, कम ऑन। जीत के बहुत ज्यादा लोग दावेदार होते हैं लेकिन हार जो होती है वो यतीम होती है। जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि शुएब अख्तर जो है वो कैसे नुमान अली, साजिद खान और कामल गुलाम की जो है वो किस तरह तारीफें कर रहे हैं कि पाकिस्तान के स्पिनर ने जो है वो फेंटा लगा दिया है इंग्लैंड की टीम को, और कामल गुलाम जो है वो बाबर आजम की तरह वो सेल्फिश इनिंग्स नहीं खेले थे, वो पाकिस्तान की जीत में जो है वो कंट्रीब्यूट करने के लिए जो है वो अपनी इनिंग्स जो है वो खेली है उन्होंने, जो उन्होंने पहली इनिंग्स में 118 रन बनाए और दूसरी इनिंग्स में जो है शानदार 26 रन जो उन्होंने बनाए थे। तो इसके अलावा जो रमीज राजा भी जो है वो किस तरह पाकिस्तान के स्पिनर डेयो की जो है वो तारीफें कर रहे हैं, जिनके दौर में रमीज राजा के टिनोर में जो है वो इन स्पिनर को जो है वो मौका नहीं दिया गया, और बाबर आजम को बाहर निकालने के ऊपर इसी रमीज राजा का जो ओपिनियन था वो ये था कि बड़े प्लेयर को जो पाकिस्तानी टीम से बाहर कर दिया और पाकिस्तान टीम की जो पीआर है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो बड़ा नाम था वो एक बाबर आजम था, पाकिस्तान टीम की जो है पहचान नहीं रही। तो याद रहे कि टीम की पहचान जो है बड़े नामों से नहीं बनती, टीम की जीत से बनती है, चाहे उसको कोई भी नाम जो है जितवा रहे हो। और आज जो है वो पाकिस्तान की जीत में जो है कामरान गुलाम ने अहम किरदार अदा किया, साजिद खान ने अहम किरदार अदा किया, नुमान अली ने जो है अहम किरदार अदा किया, आज जो है वो शुएब अख्तर है, रमीज राजा है, नासिर हुसैन है या माइकल वान है, वो सब पाकिस्तान टीम की नुमान अली, कामरान गुलाम और साजिद खान की बातें कर रहे हैं। कोई भी जो है वो शहीन अफरीदी या नसीम शाह या बाबर आजम को डिस्कस नहीं कर रहे। तो जो प्लेयर जो होता है वो टीम को जितवाता है वही जो है वो टीम की जो है प्लेयर बन जाता है। तो ये टीम जो है टीम से बड़ा कोई भी प्लेयर नहीं होता, ये मैं याद रखना चाहिए कि टीम से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, पाकिस्तान से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। हमने देखा कि बाबर आजम ने जो है पाकिस्तान की टीम को तहस नहस करके रख दिया है, इसी बाबर आजम ने जो है नुमान अली को चांस नहीं दिया, साजिद खान को चांस नहीं दिया, घर में टर्निंग पिचेस नहीं बनाई, इन्होंने बैटिंग ट्रैक बना दिया ताकि ये अपने जो है 100 रन करते रहे, लेकिन फिर भी बाबर आजम जो है वो कोई खातर खा कारगरी का मुजहरा नहीं कर पाए थे। और इस पर देखेंगे जो है सिकंदर बख्त जो है वो किस तरह बात कर रहे हैं कि जब मैं इंडियन चैनल के ऊपर जाता था तो इंडिया वाले जो है मुझे तंज करते थे,
कि तुम्हारी टीम तो जीती नहीं है, तुम इतनी इतनी बड़े बड़े बातें करते हो, तुम्हारे सिलेक्टर ऐसे हैं, तुम्हारी सिलेक्शन कमेटी जो आई रोज चेंज हो जाती है, तुम्हारा चेयरमैन जो आई रोज चेंज हो जाता, तो वो कह रहे थे एटलीस्ट जो है वो अब मैं उनसे जो है वो बात करने वाला बन गया हूँ, अब अभी जो शो में जो है मेरे को बात होगी तो मैं अभी सीना चौड़ा करके कह सकता हूँ कि अगर हमारे कंट्री में जो स्पिन ट्रैक बनाए जाए तो हमारी टीम भी जो है वो जीत सकती है। तो ये अभी उम्मीद की जा कर सकते हैं हम कि पाकिस्तान जो है वो सलामापिंडी में जो अगला मैच है वो स्पिन ट्रैक बना के अगला मैच भी जीतने की कोशिश करेगा। हम जीतने की कोशिश करें, अब इवन कि हम हार भी जाएं तो उसकी बात का दुख नहीं है। जब पाकिस्तान जो है बैटिंग ट्रैक बना देता है तो उसमें तो पाकिस्तान की हार कन्फर्म होती है, या तो ड्रा होगा या पाकिस्तान हारेगा, इसमें तो पाकिस्तान का तो कोई फायदा नहीं है ना। तो इसलिए जो पाकिस्तान को जो टर्निंग पिच बनानी चाहिए ताकि जो है वो पाकिस्तान जीते मैच, अगर हारता भी है तो हार जाए, मुश्किल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को ऑल द वे जाना चाहिए मैच जीतने के लिए। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए इजाजत दीजिए।